अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। और आज की रेसिपी हम बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी से, बहुत ही झटपट बन के रेडी होने वाला और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये ग्रेवी बन के रेडी होती है। तो सिंपल एंड देसी स्टाइल में बिल्कुल सादे तरीके से, बिल्कुल किचन के इंग्रेडिएंट से हमारा ये चिकन ग्रेवी, चिकन कोरमा बनेगा। बहुत मज़ेदार बनेगा ये, आप सब भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इसके लिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है और उसमें मैं 4 से 5 लहसुन की कलियां हैं, उन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और 2 से 3 हरी मिर्च हैं, उन्हें भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और 2 स्ट्रिंग्स कड़ी पत्ते के हैं, 10 से 12 कड़ी लीव्स हैं यहाँ पे, वो मैंने ऑयल में ऐड कर लिया है। अभी इनको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी, तो इसको मैं हल्का सा स्टर कर लूँगी। सॉटे देखिए जी, अगर यहाँ पे मुझसे कुछ बोलने में थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा हो तो उसके लिए सॉरी। कभी कभी हो क्या होता है ना कि कुछ चीज़ों के नाम जल्दी प्रोनाउंस करने, जल्दी बोलने के लिए नहीं आते, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में वो आ जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर 3 मीडियम साइज की प्याज है ये, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो इन्हें भी मैं ऑयल में ऐड कर दूंगी और इन्हें भी अच्छे से फ्राई कर लूंगी, हमारी प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तब तक हमें इसे फ्राई करना है। तो मैं बता रही थी कि कुछ चीज़ों के नाम लेने के लिए थोड़ा सा कभी कभी यदि नहीं आता तो उसके लिए आप सबसे सॉरी। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा ये कलर चेंज होने तक फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी प्याज का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। अभी हम इसमें चिकन ऐड करेंगे जो कि हमने 1 kg चिकन लिया है और इसको अच्छे से वॉश करके मैंने रख दिया है। तो हम इसमें ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल और बहुत ही आसानी से, बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी ये बनता है। तो चलिए मैं यहाँ पे चिकन ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने चिकन ऐड कर लिया है, अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमने गैस की फ्लेम हाई रखा है, बिल्कुल अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो अभी मैं इसमें नमक मिर्च ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैं 1.5 टीस्पून नमक ले रही हूँ और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे देखिए बस हमारे इतने ही मसाले हैं और ऑलरेडी हमने इसमें लहसुन ऐड कर दिया है, तो हम यहाँ पर अदरक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसको भी मैं सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसमें। और अभी मैं गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो पे कर दूँगी ताकि हमारी प्याज और चिकन अच्छे से गल जाएँ। और मैं इसमें 1/2 कप जितना पानी ऐड करूँगी ताकि नीचे से हमारे मसाले लगे नहीं, यानी कि बर्तन के तले से। तो चलिए इसको मैं ढक करके चिकन और प्याज अच्छे से गलने तक कुक कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा
चिकन और प्याज अच्छे से गल चुके हैं। अभी हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 टमाटर हैं, ये भी मीडियम साइज़ की हैं, तो उन्हें मैंने चॉप कर लिया है। अभी मैं टमाटर को भी अच्छे से भून लूँगी और टमाटर गलने तक इसको फिर से कुक कर लूँगी। तो देखिए कितना सिंपल और कितना इजी और कितना मज़ेदार बनके रेडी हो रहा है। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल, और इसमें हमें ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करने हैं, ना बिल्कुल मसाले भी नहीं और दही भी नहीं। अगर आप चाहें तो टमाटर के जगह दही ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सादा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी है हमारा चिकन कोरमा बनके रेडी हो रहा है। साथ ही साथ बहुत ही मज़ेदार भी ये लगता है। तो चलिए इसको भी मैं टमाटर के थोड़ा सा गलने तक कुक कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी ग्रेवी यानी कि हमारा कोरमा बनकर बिल्कुल रेडी है। टमाटर भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं, चिकन भी हमारा अच्छे से गल चुका है, और हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए। हम इसमें और पानी वगैरह ऐड नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी हमारी ग्रेवी बनके, हमारा ये कोरमा बनके रेडी हुआ है। सिंपल देसी सिंपल कोरमा। तो अभी मैं इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करूँगी, और इसी के साथ ही मैं 1 मुट्ठी हरा धनिया ऐड करूँगी और थोड़ा सा पुदीना ऐड कर दूँगी। इन सब सारी चीज़ों को हम फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा कोरमा बनके बिल्कुल रेडी है, रेडी टू सर्व है। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनता है ये, और बहुत ही चटपट, बिल्कुल किचन इंग्रेडिएंट से ही बनके रेडी होता है। बिल्कुल इसमें कुछ भी ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होते। तो अभी मैं इसमें 1 टीस्पून जितना नींबू का रस ऐड करूँगी। तो यहाँ पे हमारा ग्रेवी बनके रेडी है। आप इसको राइस, रोटी, चपाती, तंदूरी रोटी, जो भी जिससे भी आप इसको सर्व करना चाहें कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये बनके रेडी हो गया है। इस तरह से आप सब भी ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए जी, इसी के साथ लीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए लीजिए इजाज़त, और आप सब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, और अपने दुआओं में हमेशा हमेशा शामिल करिए। हम भी आप सबको अपने दुआओं में, अपने ब्लेसिंग्स में हमेशा शामिल करते हैं। अल्लाह हाफिज़।